हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं WCR के डिफरेंट केसेस, वो भी डिजुलेशन के केस में। ध्यान रखना, जो हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंजिंग पीएसआर में पढ़ा था वो नहीं है ये। उन चारों चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट था। अब वहाँ पे हमने WCR और IFR दोनों के केसेस देखे थे, पर ये जो डिजुलेशन में WCR का केसेस वो थोड़ा अलग है। तो याद रखना, ये गलती मत करना कि क्वेश्चन में जब आए अगर एंट्री के लिए तो डिजुलेशन है या फिर वो कुछ और है। बाकी में तो सेम ट्रीटमेंट है, पर डिजुलेशन में ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी फर्म को बंद कर रहे हो। तो क्या ट्रीटमेंट है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर ही आया है, तो नया टॉपिक आने के चांसेस है। तो ज़रा ध्यान से देख लेना और गौर करना। पहले क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर आया, तो इस बार से अगर क्वेश्चन आएगा तो होगा, यहाँ से पुटअप होगा। एक मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया था, 27 नंबर, अगर आपको याद होगा। तो मैंने आपको डिस्कशन किया था, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि WCR जो होता है उसको हम कैपिटल में बांट देते हैं ना। लेकिन अगर उसका क्लेम हो तो उस केस में जितना क्लेम होता है उतना रिजर्व आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ता है। सपोज करो 1,00,000 का रिजर्व था, 40 का क्लेम हो जाएगा, तो उस केस में वो 40 का क्लेम है तो 40 का रिजर्व कहाँ दिखाओगे? रियलाइजेशन के लाइबिलिटीज़ में, और बाकी 60 को आप बांटोगे। ये बात की थी हमने, वो उसी चीज़ को दिमाग में रखना, उसी के ऊपर ये वाला टॉपिक आपका। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 7.7 निकाल लो जरा। अब देखो इसमें है ना, कुल मिला के 5 अलग अलग केसेस दिए, एक एक करके पांचों केस देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि शिव और मोहन है पार्टनर। 7.7 है, न्यू बुक है तो आप खोल सकते हो पेज ऑनलाइन, जो बच्चे हैं TS अग्रवाल 7.7 पेज में रजिस्ट्रेशन नंबर 4 है। वरना अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपका क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। शिव और मोहन पार्टनर है और इनका रेशियो जो है वो 3:2 का है। अब एक एक करके सारे केस देखेंगे। सबसे पहला केस देखो क्या लिखा है। पहले केस में लिखा है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, बस आपको सिर्फ क्या दे रखा है, रिजर्व। सिर्फ क्या दिया आपको, रिजर्व दिया। तो हमने पढ़ा था कि अगर सिर्फ रिजर्व होगा तो इसको कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, तो यानी बांट देंगे। तो एक ही एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी शिव कैपिटल और टू मोहन कैपिटल। 75,000 को बांटेंगे 45 और 30। कोई दिक्कत पहले केस में? पहला ठीक है। अब देखो सेकंड केस देखते हैं, क्या कह रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, 45 ले लो। आप लग रहा है? हाँ। कलर बदल दूँ? आप लग रहा ना 45। तो लग रहा ना, चलो सेकंड की तरफ चढ़ते हैं। सेकंड केस में देखो क्या लिखा है कि वर्कमैन का जो रिजर्व है, रिजर्व कितना आपके पास, और क्लेम भी दे दिया। क्लेम कितना हो गया? 35 का क्लेम। तो मेरा ध्यान से देख रहा, पहले इस रिजर्व का एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर रिजर्व के साथ क्लेम होगा तो जितना क्लेम होगा उतना रिजर्व आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। तो आपको कितना रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा? 35। तो उसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 35 हमने ट्रांसफर कर दिया। बचा हुआ रिजर्व कितना है अब? 25 बचा, क्योंकि 60 में से 35 तो ट्रांसफर हो गया, तो 25 बच गया। उस 25 को कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल और टू अलग अलग कर दो, एक साथ भी कर सकते हो। 25,000 अलग अलग, मैंने इसे बताया क्योंकि अलग अलग ट्रीटर, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आया तो अलग अलग भी दिया होगा, तो अलग अलग का भी आपको पता होना चाहिए। एक साथ तो आप जानते हो 25। रेशियो क्या है इनका? 3:2, तो 5, 15 और 10। कोई दिक्कत रिजर्व के केस में? रिजर्व का हिसाब खत्म। अब वो जो 35 का क्लेम है उसकी आप पेमेंट कर दो लाइबिलिटीज पे की तरह। कहाँ पे करते? रियलाइजेशन के डेबिट में कैश से। तो उसकी एंट्री पेमेंट की होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कुल मिला के कितनी एंट्री हो गई आपकी? 3 एंट्री। ठीक है पॉइंट। थर्ड एंट्री देखो, ये पहली दो समझ आ गई, थर्ड ये जो क्लेम है उसकी पेमेंट। तो क्लेम की पेमेंट मतलब लाइबिलिटीज की पेमेंट, तो उसके तो ये करते हैं रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो थर्ड केस देखते जाइए, पहले दो केस हो गए, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थर्ड केस की बात करते हैं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 200 बचे सिर्फ, तो फटाफट जल्दी से 200 पहुंचा दो आप लोग। थर्ड पे बढ़ते हैं। देखो थर्ड, देखो क्या लिखा है,
कि आपके पास रिजर्व कितना है वर्कमैन का और क्लेम कितना है, 75. क्लेम हो गया 75. अब देखो रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है, जरा ध्यान से देखना. तो देखो अगर रिजर्व से ज़्यादा क्लेम है तो जितना रिजर्व है सारा का सारा रिजर्व कहाँ चले जाएगा, रियलाइजेशन में. तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर का तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना जाएगा, 60,000. क्या बांटने के लिए कोई रिजर्व बचा, तो बांटने वाली एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है, और जो क्लेम है उसकी पेमेंट कर देंगे. तो पेमेंट की एंट्री तो आप जानते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कितनी पेमेंट हो जाएगी आपकी, जितना आपका क्लेम है यानी 75. 15 तो पेमेंट है, आप कहाँ से आएगा, अपनी जेब से दोगे, फॉर्म बंद है अपनी जेब से दोगे, है ना. ठीक है, यहाँ तक रिजर्व सारा ट्रांसफर हो गया क्योंकि कम रिजर्व है, पेमेंट तो आपको पूरी करनी होगी ना. अगर आप फॉर्म बंद कर रहे हो, आपके पास 20,000 रुपये ही पड़े हैं लेकिन आपका खर्चा अगर 40 का तो दोगे तो 40 कहीं से भी दो, उनसे क्या मतलब कि आपके पास रिजर्व 20 है तो आपको 20 थोड़ा ना देना पड़ेगा. तो पेमेंट तो सारी होगी. अब देखो चौथा केस, तो यार ये बताइए यहाँ पे जो WCR है ना, वो आपका कहते हो जो चैप्टर था आपका पहले एडमिशन रिटायरमेंट वाले WCR की ट्रीटमेंट से अलग है, इसलिए बता रहा हूँ कि आप मिक्स मत करना. डिजुलेशन का आएगा तो आपको इस हिसाब से एंट्री करनी होगी, बाकी उनका तो सेम ही था सबका. इस चीज़ को दिमाग में रखना एंट्री करते टाइम कि चैप्टर कौन सी की बात की जा रही है. डिजुलेशन में सेपरेट है, बाकी उन सबका मिक्स है, एक जैसा ये सबका. अगला देखो क्या लिखा है, रिजर्व कितना है और क्लेम कितना है, क्लेम भी 60 है. तो देखो जितना क्लेम उतना रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा 60. क्या कुछ बांटने के लिए बचा, तो बांटने की एंट्री होगी नहीं, और फिर पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. कोई दिक्कत. अब पांचवा केस तो बहुत छोटा सा है, यही बता देता हूँ. पांचवा केस में आपको क्या दिया है, क्लेम है सिर्फ 15,000 का, रिजर्व तो है ही नहीं. तो एक बार बताओ, रिजर्व नहीं तो रिजर्व वाला तो तामझाम खत्म हो गया ना, सिर्फ क्लेम है तो क्लेम की क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे. तो एक घंटे होगी पेमेंट वाली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट. तो ये पांच डिफरेंट केसेस है, इससे ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं आएगा, ये इतने ही है पॉसिबिलिटीज़. तो पांचों पॉसिबिलिटी होगी WCR के, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा. तो ये आपके WCR के साथ अगर क्लेम हो, किसके केस में, डिजुलेशन के केस में, तो आपकी ये ट्रीटमेंट्स होगी. नया है तो ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन आपको इससे पहले मिलेंगे नहीं, बुक में भी खिलौता है कि क्वेश्चन है ये. ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट्स होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो. मेरी तरफ से चैप्टर आपका खत्म होता है, बाकी हम नया नई बुक स्टार्ट करेंगे इसके बाद. ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय.